हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे नोज़ पियर्सिंग की और पियर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्या मेकअप से पियर्सिंग बम्प होता है, क्या नोज़ पियर्सिंग पेनफुल होती है, 2 साल हो गए बट पियर्सिंग बम्प ठीक नहीं होता, पियर्सिंग कराए हुए काफ़ी टाइम हो गया पर कोई भी इयर रिंग या नोज रिंग सूट नहीं करती है, अगर पियर्सिंग बम्प हो गया है तो क्या करें, पियर्सिंग ईयरिंग को पहने रखें या फिर उसे निकाल दें। दोस्तों, आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पियर्सिंग से रिलेटेड आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सो मच, पियर्सिंग से रिलेटेड आपने मेरी वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट्स बनाए मैंने पियर्सिंग से रिलेटेड, आपने सारे पार्ट्स को काफ़ी लाइक किया, मुझ पे ट्रस्ट किया। ये पियर्सिंग सीरीज़ की ही नेक्स्ट वीडियो है। आप में से कई लोगों को काफ़ी डाउट था कि रेमेडी को बनाना कैसे और किस तरीके से लगाना है, तो इस वीडियो में मैं आपको रेमेडी बनाकर दिखाऊंगी, साथ ही लगाकर भी दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, पियर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा ताकि आप अच्छे से फॉलो कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको पियर्सिंग बम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें मैंने पियर्सिंग बम के बारे में डिटेल में बताया, साथ ही पियर्सिंग के बाद आप कैसे केयर करें पियर्सिंग की वो भी मैंने पार्ट 1 में बताया, तो उसके लिए आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। अगर आपको पियर्सिंग इन्फेक्शन है या फिर आप नहीं जानते कि पियर्सिंग इन्फेक्शन क्या होता है तो उसके लिए आप पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको डिटेल में बताया गया है पियर्सिंग इन्फेक्शन के बारे में। और दोस्तों, मैंने पार्ट 3 बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि पियर्सिंग बम्प और पियर्सिंग कैलोइड में क्या डिफरेंस होता है। पियर्सिंग बम्प और पियर्सिंग कैलोइड का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को सही से नहीं समझेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी सही से नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों पार्ट के बारे में बता दिया, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पार्ट देख लीजिएगा। वैसे आप सारे पार्ट देखिएगा, हर पार्ट में मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो आए थे उनके रिप्लाई दिए हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी भी सॉल्व किए हैं, तो शायद वो आपकी भी हो सकती है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों पार्ट देखें। और तीनों पार्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, रेमेडी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको पूरा अच्छे से बनाकर और रेमेडी को पियर्सिंग के ऊपर लगाकर दिखाऊंगी। के कमेंट्स पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब मेरी कोई रेमेडी आपके काम आती है। तो अगर दोस्तों आपको तिल या मस्से की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। 101% आपके तिल और मस्से रिमूव हो जाएंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो आप उनके लिए भी वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको मिलिया है यानी कि वाइट पिंपल्स, छोटे छोटे वाइट दाने हो जाते हैं फेस के ऊपर, फ्रेंड्स उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी 101% इलाज है, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, मुझे खुद हुआ था मिलिया। तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत काम आएगी, आपके 101% मिलिया रिमूव हो जाएंगे, वाइट पिंपल, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और आजकल ये बहुत कॉमन है, तो डिटेल में मैंने बताया उसके बारे में। अगर आप वो वीडियो डिटेल में देखेंगे तो आपको कभी वैसा होगा ही नहीं, अगर है तो ठीक हो जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले थे नोज़ पियर्सिंग की और साथ ही आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं नोज़ पियर्सिंग कराने की तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा सेफली हो, जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो आपके पियर्सिंग के लिए वो स्टरलाइज्ड हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स हमारी नोज़ को फेस का डेंजर ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो इसी एरिया में साइनस कैविटी से कनेक्टेड होती हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ दोस्तों, नोज़ पियर्सिंग जो होती है वो पेनफुल होती है, कई लोगों को कम पेन होता है, कई लोगों को ज़्यादा पेन होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और दोस्तों, ये एरिया जो है पूरा रेड भी हो सकता है 3 वीक तक। और दोस्तों, नोज़ पियर्सिंग को पूरी तरह से हील होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, और इसे हील करने के लिए आपको कौन सी रेमेडी यूज़ करनी है वो मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगी। तो अगर आपने नोज़ पियर्सिंग कराई है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि आप पियर्सिंग के बाद केयर कैसे करें।
तो वो सारे टिप्स फॉलो कर लीजिएगा। और रेमेडी कौन सी यूज़ करनी है या फिर पियर्सिंग नॉर्मल कराई है तो भी आपको क्या यूज़ करना है वो मैं अभी बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले चलिए आपकी क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेरी थी कि क्या मेकअप से पियर्सिंग बम्प होता है, तो दोस्तों हाँ, मेकअप से पियर्सिंग बम्प हो सकता है और ये रिलेटेड है आपके नोज़ पियर्सिंग से। ईयर पियर्सिंग से रिलेटेड नहीं है क्योंकि हम मेकअप का यूज़ इधर नहीं करते हैं, बट हम अपने फेस पर मेकअप का यूज़ करते हैं। जब अपने फेस पर मेकअप अप्लाई करते हैं तो हमने अगर पियर्सिंग करा रखी है, अगर आपने नोज़ पियर्सिंग करा रखी है तो आपको इस एरिया से दूर रहना है, या फिर आप कोशिश करें कि आप मेकअप लगाएं ही ना कुछ दिन तक, या फिर अगर आप लगाते हैं तो इस एरिया से दूर रखें। अगर आपने लगा लिया तो आपको मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करना है। दोस्तों मैंने आपको हर पार्ट में बताया कि आपको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पियर्सिंग कराते हैं तो उस एरिया को आपको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। मेनली यही रीज़न होता है पियर्सिंग बम्प होने का। तो अगर आप मेकअप लगाते हैं और अगर वो उसका जो होल है उसके अंदर चला जाएगा तो पियर्सिंग बम्प होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गर्ल्स, अगर आप मेकअप अप्लाई करती हैं तो केयरफुल होकर अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स, क्लीन करने के लिए आप सॉल्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं। आप में से कई लोगों की क्वेरी है कि 2 साल हो गए पियर्सिंग बम्प ठीक नहीं होता। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था, आज मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि अगर आपको पियर्सिंग बम्प हुआ, जैसे आपने पियर्सिंग कराई और आपको पियर्सिंग बम्प हुआ कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद, तो आप मेरी जो रेमेडी है उसको ट्राई करिए, वो पियर्सिंग बम ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि पियर्सिंग बम 1 साल हो गया पियर्सिंग बम है, 2 साल हो गया पियर्सिंग बम है, देन फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पियर्सिंग बम 1 साल या 2 साल तक नहीं रहता। और मेनली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब तक हमारा पियर्सिंग जो है हील नहीं होता और हम उस एरिया को दुखा देते हैं किसी भी तरह से, वो एरिया पियर्सिंग का, मान लीजिए पियर्सिंग कराई और ये एरिया जो होता है दुख जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पियर्सिंग बम्प हो जाता है। पर पियर्सिंग बम्प होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 साल तक रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। जब आप रेमेडी अप्लाई करेंगे पियर्सिंग बम्प ठीक हो जाएगा। और दोस्तों कई क्वेरी ऐसी थी कि पियर्सिंग बम्प ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, तो दोस्तों ऐसा होता है। मैंने अभी बताया कि वो एरिया जब दुख जाता है या फिर आप क्लीन नहीं रखते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो हील होने लगता है, लेकिन फिर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो दोबारा से बम्प हो जाता है। तो आप मेनली सारे टिप्स फॉलो करिए, अच्छे से क्लीन रखिए, और अगर हो गया है तो रेमेडी अप्लाई करिए, तो बार बार नहीं होगा आपका पियर्सिंग बम्प। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेरी थी कि पियर्सिंग बम्प हो गया तो हम पियर्सिंग रिंग जो पहन रखी या फिर ईयर रिंग पहन रखी है उसे निकाल दें या नहीं। अगर दोस्तों आप उसे निकाल देंगे तो जो आपका पियर्सिंग होल है वो बंद हो जाएगा। तो आप रेमेडी ट्राई करिए, आपका पियर्सिंग बम्प जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप रेमेडी ट्राई कर रहे हैं फिर भी पियर्सिंग बम्प ठीक नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए और फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, देन आप अपना पियर्सिंग ईयरिंग रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी क्वेरी थी कि आपको कोई भी ईयरिंग सूट नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पियर्सिंग कराते हैं तो उनको कुछ भी सूट नहीं करता है। जैसे हम जब पियर्सिंग कराते हैं तो साथ में पियर्सिंग के टाइम ईयरिंग या रिंग पहनाई जाती है इनिशियली, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब हील हो जाता है तो हम उसे रिमूव करके कुछ अपनी चॉइस का ईयरिंग वियर करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, कई लोगों को कुछ भी सूट नहीं करता है, कुछ लोग तो कुछ भी वियर कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका पियर्सिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों की पियर्सिंग जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है और उनको सूट नहीं करता है। फ्रेंड्स, ऐसा सेम केस मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ था। अगर वो नोज़ में अपने कुछ और वियर करती है गोल्ड के अलावा तो उसकी नोज़ पियर्सिंग में भी दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी आर्टिफिशियल मत वियर करिए, आप गोल्ड का वियर करिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गोल्ड सबको सूट करता है तो आपको भी सूट करेगा। दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप रेमेडी कैसे बनानी है, कैसे अप्लाई करनी है, कितने दिन तक अप्लाई करनी है, कितने देर तक अप्लाई करनी है। बाकी सारी डिटेल मैंने पार्ट वन में दी थी कि कैसे केयरफुली अप्लाई करना है, वो सब आप पार्ट वन में देख लीजिएगा। चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। आपको एक स्पून में मस्टर्ड ऑयल ले लेना है।
आप क्वांटिटी देख सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ईजिली घर पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आपको टर्मरिक यानी कि हल्दी ले लेनी है और टर्मरिक को आपको मस्टर्ड ऑयल में डाल देना है इस तरह से। फिर आपको गैस ऑन कर लेना है और इसे गैस पर बॉईल कर लेना है। कुछ इस तरह से आप देखिए इसे बॉईल कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं करना है। इस तरह से आप को 30 सेकंड तक करना है, ये बॉईल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे बॉईल हो रहा है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। जब यह हल्का गुनगुना हो तभी हमें इसे अप्लाई करना है। फिंगर डिप करके चेक करते रहना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए ताकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा। तो इसे इस तरह से हल्का सा ठंडा कर लीजिए, फिंगर को डिप करके चेक कर लीजिए टेम्परेचर। उसके बाद आपको फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ ड्रॉप ड्रॉप कर कर अप्लाई करना है। 2 से 3 ड्रॉप आपको आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी इस रेमेडी को अप्लाई करना है। और आप इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे और इसे अप्लाई करने के बाद आपको अपने पियर्सिंग ईयरिंग को मूव भी करना है। पियर्सिंग ईयरिंग को मूव करते रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स, इसमें हमने टर्मरिक यूज़ की है इसलिए आपको इसे नाइट में अप्लाई करना है। 1 से 2 घंटे तक आपको इसे अप्लाई करके रखना है। फिर किसी क्लीन क्लोथ से आपको इसे क्लीन कर लेना है ताकि आपकी ड्रेस या फिर आपका पिलो कवर ख़राब ना हो। और आप 2 घंटे तक अप्लाई करिए, इतना इनफ है। और आपको 1 वीक तक अप्लाई करना है, आपको 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे पियर्सिंग से रिलेटेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, बट अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी बताई रेमेडी आपको अच्छी लगती है, आपके काम आती है, और दोस्तों आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर वो भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी आपके लिए लेकर आऊं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।